इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। डेंगू और मलेरिया के मामले को देख बीएमसी ने शुरू किया ड्रोन से दवाई छिड़कने का काम। बीएमसी ने बढ़ते मलेरिया और डेंगू के मामलों को देखते हुए जी साउथ वार्ड, जिसमें लोअर परेल, प्रभा देवी, वर्ली और महालक्ष्मी जैसे क्षेत्र शामिल हैं, उसमें ड्रोन के जरिए दवाई छिड़कने का कार्य शुरू किया है। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में कई मिले हैं जो उनकी ऊंचाई या उनकी जर्जर स्थिति के वजह से मच्छरों का घर बन चुका है और बारिश के मौसम के वजह से बीमारी भी फैल रही है। आज वर्ली इलाके के अपार्टमेंट के छत पर बीएमसी के कर्मचारी ने ड्रोन के जरिए नजदीक में बसे बॉम्बे डाइंग मिल में दवाई छिड़कने का काम शुरू किया है। मुंबई में रहने वाले रोहित कारले, जो कि एक ड्रोन ऑपरेटर हैं, जिनकी थिंकियल ऑटोनॉमस नामक एक कंपनी है, रोहित बिना कोई शुल्क लिए अपनी मर्जी से बीएमसी की मदद कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह ड्रोन 500 मीटर की दूरी तक जाता है, वहीं 10 मिनट तक दवाई छिड़कने की क्षमता रखता है। इस ड्रोन का वजन 10 से 12 किलो का होगा। वहीं ड्रोन के नीचे केमिकल से भरी बोतल उन्होंने खुद बनाई है और ड्रोन से जोड़ी है। आपको बता दें कि ड्रोन की कीमत 7 लाख रुपए है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।